अभी टोटल कितने डॉग्स हैं यहाँ पे? हाँ, बस 22 डॉग्स हैं। 15 इयर्स हो चुके हैं इस फील्ड में, इस बिजनेस को रन करते हुए। एवरेजली आ जाती है हमारे ईयरली 15 से 18 लाख के आसपास इनकम। 24 लाख रुपए खर्चा निकाल के। नमस्कार दोस्तों, संधू एग्रो फार्म यूट्यूब चैनल पर मैं पारस सबसे भाई को वेलकम करता हूं। आशा करता हूं सारे मेरे भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। भाइयों, आज हम हिसार आए हैं हरियाणा में, और यहां पे मोनिका मैडम पिछले काफ़ी टाइम से एक बहुत बड़े कैनल को मैनेज कर रही हैं। ये कैनल रॉटवाइलर और लैब्राडोर ब्रीड के डॉग्स का है। जैसे कि हमारी ऑडियंस को काफ़ी पसंद है कैनल टूर, तो आज हम इस कैनल का टूर करके दिखाएंगे आपको। और हाँ, यहाँ पर काफ़ी अच्छे इम्पोर्ट लाइन के पप्स भी रखे हैं रॉटवाइलर के। अगर कोई भाई पफ्स ढूंढ रहा है, उन्होंने पफ्स लेने हैं रॉटवाइलर के, वो भी अच्छी बहुत अच्छी लाइन के, तो ये वीडियो आपके लिए, ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए मिलवाता हूँ आपको मोनिका मैडम से, जानेंगे इनके कैनल के बारे में और दिखाएंगे आपको इनके शानदार डॉग्स। नमस्कार मैम, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया मैम। आज आपके कैनल पे आए हैं, सोमी सनान कैनल, और यहाँ पे थोड़ा सा हमारी जो ऑडियंस है वो रॉटवाइलर को ज़्यादा पसंद करती है, ठीक है, तो उसको कैनल को कवर करने आए हैं। और सबसे पहले तो अपना थोड़ा सा परिचय दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम मोनिका है, आइए आप साथ में बात भी करते रहेंगे। जी जी जी, मेरा नाम मोनिका है और मैं इसे मैनेज करती हूँ। हमारा जो कैनल है आप देख ही रहे हैं, सुरवीर कैनल है। जी जी। और यहाँ पर आपको डॉग्स मिल जाएंगे। और वैसे मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, जो मिस्टर मनोज हैं यहाँ के ऑनर हैं वो संभालते हैं, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं उनसे भी लाइक चाहूँगी कि वो आपको बताएं। जी 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 जी, आप बताइए। आप अच्छा, अभी टोटल कितने डॉग्स हैं यहाँ पे? हाँ, बस 22 डॉग्स हैं। जी जी। और भैया को कितना टाइम हुआ इस लाइन में? भैया को, मिस्टर यादव को अगर हम बात करें, 15 ईयर्स हो चुके हैं इस फील्ड में, इस बिजनेस को रन करते हुए। और मेरे ख्याल से आप हिसार में या फिर हरियाणा की बात करूं तो कहीं पे भी, अगर इंडिया लेवल पे, इंडिया लेवल पे भी, हाँ डेफिनेटली बात करें कि मतलब कोई भी आप पूछना चाहेंगे कि हमें डॉग्स कहाँ से लेने चाहिए या कौन बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है इस बिजनेस में, तो डेफिनेटली आपको मिस्टर यादव, मिस्टर मनोज यादव का नाम सुनने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आइए प्लीज। रॉटवाइलर में काफी अच्छा नाम है इनका, है ना? तो जैसे आपने बताया 22 डॉग्स हैं, ठीक है, लैब्रा और रॉटवाइलर दोनों हैं इसमें, है ना? कितने लैब्रा हैं और कितने रॉटवाइलर हैं? हमारे पास 6 लैब्रा हैं और 16 रॉटवाइलर हैं। और बात करें कि 3 मेल इम्पोर्ट हैं और 6 फीमेल्स इम्पोर्ट हैं हमारे पास, बाकी सभी BIs हैं। अच्छा मैडम, मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ, काफ़ी प्यारे रॉटवाइलर्स भी, बच्चे भी हो रखे हैं आपके पास में। जी। ये कौन सी लाइन के हैं? थोड़ा इनके लाइन के बारे में, मदर फादर के बारे में बताइए। बिल्कुल, जो उसके फादर हैं वो, उसकी मैं बता देती हूँ आपको, क्राडो वॉन हाउस ऑफ फ्लप है, और जो इनकी मदर है वो भी इम्पोर्ट है, एमिनम की डॉटर हैं। तो मतलब दोनों ये इंपोर्ट हैं, दोनों इंपोर्ट हैं, और इनकी जो जो ब्रीडिंग है, इसकी लाइन ब्रीडिंग की गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कितने पप्स हैं ये? 6 6 पप्स हैं। 6 पप्स हैं। हमारे जैसे ऑडियंस, मैंने शुरुआत में बताया था कि डिमांड रहती है, तो क्या आप उनके लिए अवेलेबल हैं लोगों के लिए? डेफिनेटली हम अवेलेबल हैं यहाँ पे, और मैं आपको हमारे स्टाफ के बारे में बता देती हूँ। हमारे पास 3 बॉयज हैं जो एम्प्लॉयज, कैनल बॉयज हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। अगर हम स्पेसिफाई करें तो एक स्पेशल डाइट के लिए रखा गया है, सेकेंड क्लीनिंग के लिए है, इनकी ग्रूमिंग के लिए है, और जो थर्ड है वो ऑल ओवर इनकी केयर करते हैं, और साथ में जो मिस्टर मनोज हैं वो भी इनका डाइट का और जो इनकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग का बहुत ध्यान रखते हैं। ट्रेनिंग का एक टाइमिंग है, फिक्स है, इनका एक प्रॉपर शेड्यूल है। अगर हम बात करें तो प्रॉपर शेड्यूल रहता है इनका, कि मॉर्निंग टू इवनिंग इनका ये शेड्यूल है, इस टाइम इन्होंने ये करना है, इस टाइम उठना है, तो ये चीज़ें रहती है। डाइट में क्या चला रहे हैं आप अभी? डाइट में हम मॉर्निंग में, विंटर से चल रहा है ना, थोड़ा उस हिसाब से बताओ। विंटर में इनको थोड़ा आराम से उठाते हैं, जैसे हम भी लेजी हो जाते हैं, तो इनके लिए भी यही है, 7 o'clock ये उठते हैं। उस टाइम इनको जो डाइट है वो राइस, चिकन राइस दिया जाता है। उसके बाद इनको फिर हम थोड़ा सा ओपन में छोड़ देते हैं, धूप होती है, थोड़ा एंजॉय करते हैं, प्ले करते हैं ये। फिर इनका ग्रूमिंग रहता है, ब्रशिंग रहती है। ट्रेनिंग में मिस्टर मनोज हैं जो हमारे सर हैं, वो इनको ट्रेनिंग कराते हैं। जो हमारे थर्ड जो एम्प्लॉय हैं वो भी स्पेशल ट्रेनिंग के लिए ही रखे हुए हैं हमने, तो वो जो भी शो डॉग्स हैं उनकी ट्रेनिंग कराते हैं। फिर इवनिंग टाइम में इनका डाइट का शुरू हो जाता है, जिसमें हम इनको बॉयल एग रहता है, साथ में डॉग फीड रहता है, और कर्ड दे देते हैं, मिला के देते हैं। जी, कर्ड मिला के दे देते जी, हैं। जी जी। अच्छा मैडम, जैसे आपने यहाँ पे एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, कैनल बॉय हैं 3, ठीक है, और बाकी का भी एक्सपेंस होता है कैनल में, काफ़ी खर्चा होता है, ठीक है, तो क्या खर्चा आ रहा है?
मिस्टर मनोज आ चुके हैं, मैं चाहूंगी कि वही बताएं इस चीज को, तो ज्यादा बेटर रहेगा। एकदम बढ़िया जी 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 जी। अच्छा जैसे आज आप थोड़ा लेट हो गए हो, ठीक है, टाइम पे नहीं आए, और जिम भी संभालना पड़ता है, ठीक है। अच्छा तो ये बताओ, मैडम से वही बात चल रही थी, कैनल का खर्चा क्या चल रहा है आज के टाइम पे, जैसे 22 डॉग्स हैं अराउंड, ये है कि हाँ अभी 1.5 से लेके 2 लाख के आसपास मंथली एक्सपेंसेस आते हैं हमारे, सबकी सैलरी दे जाके, है ना, 2 लाख के आसपास। जी जी, क्योंकि 22 डॉग हैं, उनकी डाइट भी अच्छी रहती है, ऐसे तो नहीं कि टॉय ब्रीड के साथ छोटा खा लिया हल्का खा लिया, इनको चाहिए भी ठीक ठाक क्वान्टिटी। डाइट के साथ साथ जो ना कहते हैं जो जैसे एम्प्लॉयज हो गया और जो अदर एक्सपेंसेस बहुत हैं हमारे। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा अपना कैनल कितना एरिया बताया था आपने? ये 1000 गज है। 1000 गज में है आपका कैनल ये। अच्छा एक चीज़ और, जैसे आज मैं स्पेसिफिक इसलिए आया हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों ने मेरे को पर्सनली परेशान कर रखा है कि रोटवेलर, अच्छे रोटवेलर्स लाओ, ठीक है। काफ़ी टाइम से हम कैनल की वीडियो नहीं ला पा रहे थे क्योंकि गर्मियों में कैनल की वीडियो हम अवॉइड करते हैं, और डॉग ओनर भी कहते हैं कि हमारे कंडीशन में नहीं है, कंडीशन में नहीं होते क्योंकि गर्मियाँ बहुत, अपने हमारे एनवायरमेंट बहुत गंदा है। जी 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 जी, बहुत ज़्यादा है, पड़ती है बिल्कुल, और डॉग को तो अराउंड ये है 25 डिग्री से टेम्परेचर कम ही अच्छा लगता है। जी जी, और तभी वो ग्रोथ लेते हैं। काफी सुंदर बच्चे भी देखे हमने, ठीक है, काफी हेल्दी बच्चे हैं। क्या एज इन बच्चों की अभी? आज ये 25 डेज के हो गए हैं, 25 दिन के हो गए हैं, मतलब किसी भाई को अगर चाहिए तो आप संपर्क करें वो अभी, है ना। जी जी। अच्छा अभी जैसे मैं कैनल पे आया मैडम से मिलने से पहले, यहाँ पे मेरे पैरों पे आपने स्प्रे करा था कुछ, ये क्यों किया आज? वो इसलिए किया ना, जैसे आदमी हर जगह जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ का जो वायरस है हर टाइप की बीमारी कैच करके आते हैं। जी जी। आप जूता, ये तो है नहीं कि हाँ भाई जूता नीचे टिकता है जमीन पे, जो मिट्टी है उसमें बहुत बिल्कुल बिल्कुल बैक्टीरिया है, बिल्कुल बिल्कुल, और वो बैक्टीरिया लेकर के आप यहाँ आगे। तो ऐसा कुछ भी इंसिडेंट हुआ, बीमारी वगैरह कुछ ऐसी आई है क्या? स्टार्टिंग में हुई हमारे साथ। अच्छा हाँ, उसके बाद काफी जना ये कर लिया। जी जी। बल्कि अंदर तो विजिट भी नहीं करवाते। जी। सिर्फ ऑफिस तक रखते हैं। जी। अच्छा एक अहम सवाल अब देखो, और मैं चाहूंगा इसका जवाब आप दो। देखो इतना खर्चा, 2 लाख रुपए आपने यहाँ खर्चा बताया है, तो इसमें से कैसे आप अर्न कर लेते हैं? 2 लाख रुपए मानता हूँ, 2 लाख के हिसाब से 24 लाख तो आपका साल का ये खर्चा ही हो गया, ठीक है ना। और शोज जो आते हैं, जैसे शोज चल रहे हैं अभी, उसमें भी खर्चा तगड़ा ही होता है। शो का अराउंड ये लगा लीजिए 3-3.5 लाख रुपए ईयरली खर्चा आता है हमारा शो का। सीजन का जो शो जैसे अब चल रहा है। बिल्कुल जी जी। उसमें उसमें देखो जैसे ट्रेवलिंग का हो गया, एक शो मिनिमम 10-15,000 जो 150 किलोमीटर के अंदर तय करते हैं। अच्छा अच्छा। और जो उससे एक्स्ट्रा करते हैं बाहर जा करके, जैसे लगभग 300-400 किलोमीटर से ज्यादा करते हैं जी, तो अराउंड उसका 30-35,000 के आसपास एक्सपेंसेस आ जाता है हमारा। जी जी। तो भैया इसमें से कैसे निकाल पा रहे हैं आप? क्योंकि देखो आपके अदर बिजनेस भी हैं, ठीक है, आपके पास टाइम नहीं होता है, इसलिए आज हम बिना बताए आ गए आपके पास, ठीक है। अब ये बताइए इसमें से कैसे आप अर्न कर रहे हैं, या तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिस्टम है, थोड़ा इस बारे में खुल के बताइए हमें। भैया ब्रीडिंग देखो वैसे तो देखा जाए ना एक पैशन है ये। जी। जो बंदा 14 साल से कर रहा तो पैसा नहीं होगा। जी जी। ये नहीं है कि हाँ भी कहते आपने सिर्फ जहाँ फीमेल रखी और बच्चे लिए, उसके साथ साथ का अच्छी ब्रीडिंग तभी बनती है जब आप अच्छे अच्छा कम्बिनेशन कर पाते हो उस चीज़ में। फिर जो इनकम है अराउंड ये लगा लीजिए, मैं ये मानता हूँ एवरेजली आ जाती है हमारे ईयरली 15-18 लाख के आसपास इनकम। 24 लाख रुपए खर्चा निकाल के। हाँ, निकाल के मतलब अगर टर्नओवर की बात करूं तो 24 और 15 वो, तो मतलब काफी अच्छा है इसमें आपको अभी हो रहा है। हाँ, ना बिल्कुल। जी जी, क्योंकि क्वालिटी है, क्वालिटी पे जो क्वालिटी वाले, जो क्वालिटी वाले लोग हैं, जो क्वालिटी को पसंद करते हैं जी, वो पेइंग भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, जैसे आपने बताया 22 डॉग्स हैं जिसमें से 3-4 मेल हैं और बाकी फीमेल्स हैं। हाँ, ना बाकी फीमेल। जी जी। तो उस हिसाब से मतलब आप 1 लीटर ले रहे हैं अगर जिस हिसाब से बता रहे हैं आप, है ना। एक फीमेल से 1 लीटर लिया जाता है। अच्छा अच्छा। और ये लगा लो लाइफ में उनसे लगभग हम टोटली 4 लीटर लेते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा लास्ट शो में जब मैं मिला था आपसे देहरादून में, ठीक है, आपकी विनिंग भी लगी थी एक डॉग की। हाँ, तो एक रिंग में मेरा एक मेल लगा है जी, उसको सीसी मिली है, और सेकंड उसमें एक फीमेल को मेरे को ना आरसीसी मिली है। अच्छा। हाँ। आपके पास इंपोर्ट पे आपने ज्यादा जोर दिया हमेशा से। हाँ, है ना। तो भैया थोड़ा सा इन जो डॉग्स हैं आपके, थोड़े लाइन के बारे में थोड़ा सा दर्शन उसमें दृष्टि डालिए थोड़ा सा। देखिए जो मेरे पास सबसे पहले अभी जो है, जैसे अमरुद पुराना है ही आपको पता है जी, सब उसको जरूरत ही नहीं बताने की। जी जी। उसके अलावा मेरे पास अभी जो लेटेस्ट नया इम्पोर्ट आया है क्राडोवन हाउस ऑफ फ्लिप। जी जी। ये डेनकन का सन है और जो ना रोको की लाइन ब्रीडिंग से जी किया हुआ ब्रीड ये। जी जी। हाँ, अभी ये नया इम्पोर्ट है। उससे पहले लास्ट ईयर जो आया था मेरे पास ओजी आया था। बिल्कुल बिल्कुल।
ये चीज़ है। और जो फीमेलें हैं जैसे उसके अंदर मेरे ये लगा लो 6 फीमेल इम्पोर्ट हैं, बिल्कुल उसमें एमिनम की भी डॉटर है, उसमें से रिको की भी हैं, इस तरीके से। तो भाइयों ये थे हमारे साथ में मनोज भाई और मैम, जिन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी अपने कैनल के बारे में, इतने प्यारे रॉटवेलर्स के बच्चे भी दिखाए। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ी नॉलेज और शायद इसी वीडियो से आपको आपका नया पेट ढूंढने में मदद मिलेगी। जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।